press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, long time. जी, जिन्हें करता धरता माना जाता है इंडस्ट्री का, जिनसे सिनेमा की शुरुआत हुई, उनके नाम पर जो अवार्ड्स हैं, और ये जो अवार्ड्स हैं ख़ास तौर पर बहुत मायने रखते हैं और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। अवार्ड्स हमेशा मुझे लगता है एक एक्टर्स की ज़िंदगी में बहुत बहुत मायने रखते हैं। एक एक्नॉलेजमेंट होता है, एक अप्रिसिएशन होता है, और ख़ास तौर पर अगर एक नाम ऐसा जुड़ा हो जिन्होंने फिल्में शुरू की, सो दैट रियली मैटर्स अ लॉट। जी, जी, मेरा जो भी काम होता है मैं सबसे पहले उन्हें दिखाना पसंद करती हूँ, और उनका सबसे पहले रिस्पांस आता है, दे आर फैमिली टू मी। तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि शबाना जी को कैसा लगा और जावेद साहब को कैसा लगा, एंड आई एम ग्लैड दे लाइक माई वर्क वेरी मच। और म्यूज़िक टीचर का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, और जब तारीफ मिलती है तो ऑब्वियसली इट फील्स वेरी गुड। गदगद हो रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अवार्ड मिल रहा है, और वो भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड, सो इट्स वेरी नाइस। मुझे लगता है अभी भी इतने साल बाद भी पेट में गुदगुदी होती है, दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, और जब आप स्टेज पर जाके अपना अवार्ड लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब तालियों की गड़गड़ाहट आती है। थैंक यू। हाई, थैंक यू, बहुत ही प्रभावशाली रहा है। शुक्रिया। आपका चुनाव सबसे ज़्यादा मतलब कुछ श्रेणी रहता है, इसके पीछे कोई सोची समझी बात होती है जब आप चुनती हैं? मेरी कल फिल्म म्यूज़िक टीचर का एक डायलॉग था कि मैं कई बार दिमाग से नहीं, दिल से ही काम लेना चाहिए, तो मेरा ज़्यादातर काम दिल से ही होता है, और जो दिल से ज़्यादातर काम होते हैं वो कभी गलत नहीं होते हैं। सो माय रोल्स, माय चॉइस ऑफ देम, माय फिल्म्स, आई थिंक ऑल इज़ स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। थैंक यू, यू टू, थैंक्स।